बाबर की विरासत को इस देश से पूरी तरह से मिटा देना चाहिए। किसी को भी आज के मुसलमानों की पहचान को इस इंसान से जोड़ने का गुनाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी तरह से एक सच्चा मुसलमान नहीं है। श्री राम ने कभी ये दावा नहीं किया कि वो हिंदू है, लेकिन आज वो इस देश में एक आइकॉन है, क्योंकि उनकी वजह से सही तरह के गुण फैल रहे हैं जो दुनिया में महान सभ्यताएं बनाने के लिए जरूरी है। इस पूरे मुद्दे के दो अलग अलग आयामों को समझना और कोई निर्णय लेने से पहले सावधान होना इसलिए जरूरी है क्योंकि राम 6000 से ज्यादा साल पहले हुए थे। उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया, दक्षिण भारत में इस पर काफी चर्चा होती है, उत्तर भारत में इन चीजों पर चर्चा नहीं होती, वो बस उनकी पूजा करते हैं। दक्षिण भारत उन पर कुछ चर्चाएं करता है, लेकिन 6000 साल पुराना आइकॉन जिन्होंने लोगों को पवित्रता की दिशा में, सच्चाई की दिशा में और आपस में करुणा रखने की दिशा में प्रेरित किया है, वो भी हजारों पीढ़ियों को, आपको इस आइकॉन से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ऐतिहासिक रूप से क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि वास्तविकता तो कोई भी नहीं जानता, हर कोई बस वही सामान्य कहानी जानता है कि वो कहां गए, क्या हुआ, उनके जीवन में क्या घटनाएं हुई थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा क्यों किया। आप इसका विश्लेषण नहीं कर सकते, आप उनके मनोरोग चिकित्सक नहीं। मैं यूथ एंड ट्रूथ अभियान के किसी कार्यक्रम में था और कोई कह रहा था उनमें असुरक्षा का भाव था। मैंने कहा आप उनके मनोरोग चिकित्सक नहीं है। 6000 साल पहले वो इंसान सुरक्षित था या असुरक्षित आपको कैसे पता, ये बकवास है। लेकिन वो एक आइकॉन है जिन्होंने पीढ़ियों तक लाखों लोगों को प्रेरित किया है, आपको उससे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मानवता को ऐसे आइकॉन की जरूरत है। आप राम को ले सकते हैं, कृष्ण को ले सकते हैं, जीसस को ले सकते हैं, बुद्ध को ले सकते हैं और उनकी कमियां निकाल सकते हैं और आज कह सकते हैं देखिए उन्होंने ये किया, ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था, वो जातिवाद करते थे, ऐसे वैसे, ये बकवास है। ऐसी चर्चा उनके बारे में उचित है जो आज दुनिया में मौजूद है, वो 6000 साल पहले थे, आप उन पर अब फैसला सुनाना चाहते हैं? नहीं, वो मानवता की मदद कर रहे हैं एक आइकॉन के रूप में, आपको इस आइकॉन से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। वो किस बात के आइकॉन है? वो स्थिरता के आइकॉन है। वो जल्दबाजी में कदम नहीं उठाते, जब कदम उठाना होता है तो वो निर्णायक कदम उठाते हैं, लेकिन किसी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, वो सचेतन होकर काम करते हैं। युद्ध हो तो वो युद्ध करेंगे और समर्पण करना हो तो समर्पण, राज्य छोड़ना हो तो राज्य छोड़ देंगे, लेकिन सब कुछ चेतना में और संतुलित तरीके से। इसी वजह से आज हम उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि उनमें आजादी है जीवन के नाटक से गुजरने की, उनके जीवन में हद से ज्यादा नाटक है, लेकिन वो उससे सहजता से गुजरते हैं, वो भी बिना किसी प्रतिक्रिया के, वो बिना किसी के प्रति क्रोध की भावना से उस नाटक से गुजरते हैं। जब उन्होंने रावण को मारा जिसने उनकी पत्नी को चुराया था और तबाही मचाई थी, वो उसकी भी मृत्यु पर पश्चाताप करते हैं कि मुझे ऐसा करना पड़ा। वो इस तरह के इंसान हैं, आप उनसे छेड़छाड़ मत कीजिए। अगर ये कहानी भी है तो कहानी के साथ भी छेड़छाड़ मत कीजिए। भौगोलिक दृष्टि से क्या वो अयोध्या में पैदा हुए थे? हाँ। क्या वो इस बिंदु पर पैदा हुए थे? क्या आप खुद जानते हैं कि आप किस बिंदु पर पैदा हुए थे? हेलो, 6000 साल पुराने इंसान की बात भूल जाइए, आप तो अभी जिंदा हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी माँ ने आपको ठीक किस बिंदु पर जन्म दिया था? मैं पूछ रहा हूँ, क्या कोई जानता है? No, so it's ridiculous argument. नहीं, तो ये हास्यास्पद तर्क है। अब बाबर, बाबर चंगेज खान के बाद की तीसरी पीढ़ी है। ये मंगोल साम्राज्य, मंगोल शब्द भारत में धीरे धीरे मुगल बन गया, ये मंगोल है। इस मंगोल साम्राज्य के फैलाव के समय 90 से 100 सालों के दौरान 4 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। 4 करोड़, ये उन दिनों की आबादी का लगभग
10% है। क्या आप समझ रहे हैं? दुनिया की 10% आबादी को उन्होंने मार दिया, वो भी न्यूक्लियर बम से नहीं, तलवारों से। बहुत ऊर्जावान लोग थे। मैं कह रहा हूँ, दुनिया की 10% आबादी को मारने के लिए बहुत काम करना पड़ता है ना? वो भी केवल तलवारों और भालों से। तो जहां भी चंगेज खान गया, उसने एक नियम बनाया। जिस भी जगह पर उसने विजय पाई, सभी पुरुष, वहां के सभी पुरुष जिनका कद बैलगाड़ी के पहिए से ज्यादा है, उन दिनों सेनाओं के साथ जाने वाली बैलगाड़ियों के पहिए की ऊंचाई 38 से 39 इंच होती थी। हर इंसान जिसका कद उससे ज्यादा है, उसे मार दिया जाता था। और फिर ये मुगलों की परंपरा थी कि वो सभी कटे हुए सिरों का एक बड़ा पहाड़ बना देते थे और औरतों को गुलाम बना लिया जाता था, सैनिकों की सेवा के लिए, या फिर उन्हें अलग अलग बाजारों में बेच दिया जाता था। मध्य पूर्व, यूरोप, हर जगह उन्हें बेच दिया जाता था। तो वो इस तरह से फैले थे। चंगेज खान के बाद तैमूर लंग आया। तैमूर लंग ने बाबर को जन्म दिया। तैमूर लंग का साम्राज्य दिल्ली तक था। फिर बाबर आया। माना जाता है तैमूर लंग ने 1,70,00,000 लोगों को मार दिया, वो भी सबसे ज्यादा क्रूर तरीकों से। पुरुषों के साथ जो हुआ वो तो करुणा थी, महिलाओं के साथ जो हुआ वो एक अलग चीज है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन उनके साथ सबसे भयंकर चीजें हुई। जब बाबर आया तो उस दौरान गुरु नानक भी मौजूद थे। गुरु नानक एक बहुत ही शांत, बिल्कुल प्रतिक्रिया न करने वाले और एक आत्मज्ञानी मनुष्य थे। वो बोले, एक मौत का दूत आया है, और ये उन्हीं के शब्द हैं। वो बोले, मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं, वो बोले, ये जहां भी गया इसने हजारों लोग मार दिए। जिस भी शहर में ये गया, इसने सभी पुरुषों को मार दिया, शहर को जला दिया, स्त्रियों और बच्चों को गुलाम बना लिया। स्त्रियों के साथ हमेशा सार्वजनिक जगहों पर क्रूरता से बलात्कार किया जाता था, क्योंकि ये सिर्फ बलात्कार नहीं था, ये सभी के लिए एक सीख थी। और बाबर ने हजारों हिंदू स्त्रियों को कंधार और काबुल के बाजारों में बेच दिया, हजारों स्त्रियों को। सौभाग्य से वो भारत में सिर्फ 4 साल रहा और वो मर गया। तो बाबर की विरासत को इस देश से पूरी तरह से मिटा देना चाहिए। इन सब से बढ़कर किसी को भी कभी भी आज के मुसलमानों की पहचान बाबर से नहीं जोड़नी चाहिए, क्योंकि वो इतना बड़ा अत्याचारी था कि वो अत्याचार नहीं करता था, वो खुद एक अत्याचार था। चंगेज खान धर्म के लिए नहीं मारता था, वो बस ताकत और विजय पाना चाहता था। तैमूर लंग भी काफी हद तक विजय ही पाना चाहता था, पर उसमें थोड़ा सा धार्मिक रंग था। लेकिन बाबर ने चीजों को धार्मिक मायने देकर उनका बहुत शक्तिशाली तरीके से इस्तेमाल किया, और इससे उसे मारने के लिए और ज्यादा ताकत मिल गई, क्योंकि उसे लगा वो जिहाद कर रहा है। कई बार उसने मुस्लिम शहरों पर भी हमले किए, मुस्लिम आबादियों को भी उसने मारा। तो उसने धर्म का अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल किया, अपने हिसाब से। तो उसका मस्जिद बनाना धार्मिकता या भक्ति की वजह से नहीं था, ये प्रार्थना के लिए नहीं बनाई गई थी, ये भी शासन की स्थापना का एक तरीका था। चाहे वो हिंदू मंदिर हो या जैन मंदिर, उसने सब कुछ तोड़ा। उसने एक प्रमुख जैन मंदिर इसलिए तोड़ दिया क्योंकि वहां की गुफा में उन्होंने नग्न मूर्तियों की निकासी की थी। तो उसने ये सुनिश्चित किया कि पूरा मंदिर ही नष्ट हो जाए। इस इंसान और उसकी विरासत को भुला दिया जाना चाहिए। किसी को भी अपनी पहचान इसके आधार पर नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि इससे एक अच्छे भविष्य का निर्माण नहीं होगा। किसी को भी आज के मुसलमानों की पहचान को इस इंसान से जोड़ने का गुनाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि
ये किसी भी रूप में एक सच्चा मुसलमान नहीं है, ये किसी भी तरह का भक्त नहीं है, ये सबसे बुरी किस्म का तानाशाह है जिसने धर्म के नाम पर बहुत ही शक्तिशाली तरीके से खुद को असरदार बनाया। जहां कहीं भी वो गया, इससे उसे एक नए स्तर का अधिकार मिल गया जो चंगेज खान के पास नहीं था, क्योंकि उसने विजय पाने के लिए धर्म का इस्तेमाल नहीं किया था। तो ये अत्याचार हुए हैं, हमें इन चीजों को नहीं भूलना चाहिए, हमें इन्हें याद रखना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर इसे लेकर कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी चीजें दुनिया में कहीं भी फिर कभी ना हो। लेकिन अगर इतिहास की वजह से हम कड़वाहट पैदा करते हैं, तो जानबूझकर या अनजाने में हमसे वही अत्याचार एक बार फिर से होने की गुंजाइश है। हमें लगता है प्रतिक्रिया अच्छी चीज है, नहीं, प्रतिक्रिया किसी भी भयंकर काम से किसी भी रूप में अच्छी नहीं है, दोनों एक ही चीज है। तो बाबर की विरासत जानी ही चाहिए। राम, उन्हें एक धार्मिक इंसान के रूप में मत देखिए, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं कहा मैं हिंदू हूं। हेलो, क्या उन्होंने कभी यह कहा मैं हिंदू हूं? वो इस संस्कृति के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि वो स्थिरता, संतुलन, शांति और न्याय के प्रतिनिधि हैं। वो जहां भी गए, उनकी यही कोशिश रही कि लोगों को न्याय कैसे दें। अपने राज्य के लोगों को न्याय देने के लिए वो खुद चरम स्तर के कष्ट और मुसीबतों से गुजरे। आपको इसी इंसान की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि हिंदू और मुसलमान दोनों ये याद रखें, मैंने कभी नहीं कहा वो हिंदू हैं, लेकिन आज वो इस देश में एक आइकॉन है। हर किसी को इन्हें एक ऊंचा आइकॉन मानना चाहिए, क्योंकि वो सही स्तर के गुण फैला रहे हैं। इसीलिए नहीं कि वो हिंदू हैं या कुछ और हैं, क्योंकि वो सही स्तर के गुण फैला रहे हैं जो दुनिया में महान सभ्यताएं बनाने के लिए जरूरी हैं। और कई तरीकों से राम का समय एक प्रमुख बिंदु बन गया जिस पर इन 6000 सालों में यह सभ्यता बनी। इसी वजह से स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी महात्मा गांधी लगातार राम राज्य शब्द का प्रयोग करते रहे। सबसे अच्छे प्रशासन वाले और पूरी तरह न्यायपूर्ण राज्य का मतलब राम राज्य। आज भी जब हम राम राज्य कहते हैं तो हमारा मतलब होता है बहुत ही न्यायपूर्ण और उचित राज्य, ना कि शोषण वाला राज्य और ना ही तानाशाही वाला राज्य। और हम भारत को ऐसा ही बनाना चाहते हैं कि ये न्यायपूर्ण और उचित राज्य हो यहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए, ना कि तानाशाही वाला राज्य। तो उसके लिए आपको राम की जरूरत है।